नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और सुल्तान बिन सुल्लन। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। इन दिनों विश्व के विभिन्न देशों में आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन रूपनगर में घटने जा रही ये घटना आतंकवाद का बिल्कुल नया रूप है। आकाश में उड़ते हुए विमान के पेट में एक खिड़की खुली और उससे पैराशूट बंधे हुए कुत्ते बाहर निकलने लगे। पागल कुत्तों के इस दल की लैंडिंग रूपनगर पर होने लगी। ओह, आसमान से कुत्तों की बरसात हो रही है। नगरवासी कुछ समझ पाते इससे पहले ही कुत्तों ने उनके कुत्ते फेल कर दिए। सैकड़ों की संख्या में आए इन कुत्तों ने कुछ ही देर में हजारों बंदूक को भंबोर कर रख दिया। अरे, मेरी तो उस पर क्या कहते हैं तशरीफ, अबे मेरी तो सारी चीजों पर काटा है। लेकिन असल नाटक कुत्तों द्वारा काटे जाने के बाद आरंभ हुआ। आई, मेरा मन कुत्ते की तरह भौंकने को क्यों कर रहा है? कुत्ते का शिकार हुए सभी बंदे बावले हो चुके थे। भौं, मैं भी कुत्ता हूं, तभी तो मुझे इस कुतिया से इश्क हो गया है। कुछ ही मिनटों में रूपनगर का वो शहर एक पागलखाना दिखाई देने लगा। अरब सागर स्थित दमबान शहर का शासक सुल्तान बिन सुल्लन रूपनगर में मची तबाही का वीडियो देखकर परेशान हो उठा। ये कैसा पागलपन है मेजर बुखारा? पागलपन नहीं, इसे मॉडर्न आतंकवाद कहो सुल्तान। क्या मतलब? मतलब ये कि रूपनगर पर पागल कुत्तों का ये हमला मैंने कराया है सुल्तान। क्या बक रहे हो, तुम्हें दिमागी बुखार तो नहीं हो गया है मेजर बुखारा? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप तो अब ये पूछें कि मैंने इतने सारे कुत्तों को पागल कैसे बना दिया, कैसे बनाया? मेजर बुखारा ने दरवाजे की ओर देखकर हांक लगाई। ओए डॉक्टर खागोश, भीतर आ जा। अगले ही पल आ गया। शाबाश, अब ये इंजेक्शन सुल्तान की शान में ठोक दो। ओए नहीं, सुल्तान बिन सुल्लन को इस बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी। आई, इंजेक्शन लगते ही सुल्तान बिन सुल्लन बावला हो गया। उई। इसका पागलपन जल्दी तो ठीक नहीं होगा डॉक्टर खागोश। नहीं मेजर बुखारा, जब तक मैं इसे एंटीडोज नहीं दूंगा ये ठीक नहीं होगा। तभी सुल्तान का वफादार सेवक सुलेमान नाश्ता लेकर भीतर आया। आई, मेरे सुल्तान को क्या हुआ? तेरा सुल्तान बावला हो गया है, इसके ठीक होने तक दमबान का शासन मेजर बुखारा संभालेंगे। क्यों मेजर? हाँ, आज से यहां हमारा आदेश चलेगा। मुझे तो कुछ दाल में काला काला लगता है। सुल्तान अचानक पागल नहीं हो सकते। पागल सुल्ताने को तहखाने में कैद करने के बाद मेजर बुखारा अपने धुत साथियों से मिला। अब दमबान की बागडोर हमारे हाथ में है, हम इसे जुर्म की नगरी बना देंगे। विश्व के हर देश में आतंकवाद की जड़ें फैला देंगे। दुनिया के सभी अपराधियों के लिए दमबान की सीमाएं खोल दो। धन कमाने के लिए हमें अपने नशीले पदार्थों के व्यापार को भी बढ़ावा देना है। इधर रूपनगर में भी सरकार के आला अफसरों की बैठक हुई। हमारे ऊपर ये हमला दमबान देश ने किया है, पागल कुत्तों को लाने वाला विमान दमबान का ही था। लेकिन दमबान तो हमारा मित्र राष्ट्र है, हम वर्षों से उससे तेल खरीद रहे हैं, फिर उसने हमें चूना क्यों लगा दिया? ताजा खबर ये है कि दमबान का शासक सुल्तान बिन सुल्लन भी पागल हो चुका है। हाँ, और वहां की सत्ता किसी सनकी मेजर बुखारा ने संभाल ली है। मुझे तो किसी षड्यंत्र की गंध आ रही है, हमें इसका वो फोड़ना होगा। वो क्या सर? भांडा। भांडा फोड़ना होगा।
यहां बैठकर आप वो कैसे फोड़ देंगे, मतलब भांडा। हाँ, इसके लिए तो हमें अपना कोई जासूस दंबान भेजना होगा। तो फिर ये भांडा फोड़ने की जिम्मेदारी मेरी रही। मेरी फोर्स में एक ऐसा बंदा है जो कहीं भी जाकर कुछ भी फोड़कर आ सकता है, तो आप अपने उस फोड़ू को तुरंत दंबान रवाना कीजिए। रूपनगर की सरकार के इस निर्णय का दंबान के पुलिस चीफ दाऊद बिन आउद के जासूसों को पता लग गया। सूचना मिलते ही दाऊद बिन आउद स्वयं मेजर बुखारा के पास जा पहुंचा। रूपनगर का खतरनाक जासूस हमारा भांडा फोड़ने के लिए यहां आने वाला है मेजर बुखारा। अबे, हम उस जासूस की ही सारी चीजें फोड़कर उसके हाथ में पकड़ा देंगे और रूपनगर की तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो फिलहाल मैं क्या बजाऊं सर, मतलब मैं क्या करूं? तुम अपने आदमियों को सतर्क कर दो, उस जासूस के यहां पहुंचते ही मुझे खबर मिलनी चाहिए, वरना तुम्हारी भेपड़ी बजा दूंगा। जी सर। इधर रूपनगर के सबसे बड़े जासूस यानी हवलदार बहादुर के हाथ में दंबान जाने का आदेश पकड़ा दिया गया था। आज रात को ही रवाना हो जाओ। नहीं जाऊंगा। व्हाट? ठुड्डा मारकर नौकरी से निकाल दूंगा। यह अन्याय है सर। दंबान में अगर दुश्मनों ने मुझे बावला बना दिया तो चंपा कली का क्या होगा? हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ऑर्डर इज ऑर्डर। ठीक है बच्चू, चला जाता हूं, लेकिन वहां किसी होटल में दुबक कर बैठ जाऊंगा। उसी रात हवलदार बहादुर विमान द्वारा रवाना हो गए। दंबान एयरपोर्ट पर एक स्थानीय व्यक्ति उन्हें देखकर चौंका था। अरे, ये तो रूपनगर का महान जासूस हवलदार बहादुर है। हवलदार टैक्सी लेकर होटल की ओर रवाना हुए तो वो युवक उनके पीछे लग गया। इस पर नजर रखनी होगी। होटल के गेट पर जैसे ही टैक्सी रुकी, होटल से एक व्यक्ति बाहर आया और टैक्सी से टकरा गया। झल्लाहट में उस व्यक्ति ने टैक्सी ड्राइवर को बाहर खींच लिया और ठोक पीट कर रख दिया। नमाकुल पाजी, धाड़ ठक धाड़। हवलदार बहादुर लपक कर बाहर निकले। ओए, क्यों पीट रिया है बेचारे को? इसने मुझे टक्कर मारी, मैं इसका थोबड़ा तोड़ डालूंगा, हवालात में सड़ा दूंगा साले। मेरा नाम हवलदार बहादुर है। ठक आ। वो व्यक्ति घबरा कर भाग पड़ा। मुझे मारा? मैं पुलिस में जाऊंगा, अंदर करा दूंगा। अबे जा, हम तो खुद अंदर करने वाले हैं। उस अरब व्यक्ति का नाम शेख मुख्तार था और वो सचमुच सीधा पुलिस चीफ के पास जा पहुंचा। एक विदेशी ने मुझे लात मारी है, उसे गिरफ्तार करो। कौन है वो विदेशी? मैं उसकी लात उखाड़कर उसके हाथ में दे दूंगा। वो अपना नाम हवलदार बहादुर बता रहा था। पुलिस चीफ के लिए सिर्फ नाम ही काफी था। हवलदार बहादुर? ओह धड़ाम। तुरंत ही चीफ ने मेजर बुखारा से संपर्क किया। हवलदार बहादुर रूपनगर का सातिर जासूस है, वो जरूर यहाँ जासूसी करने आया है। अब हमारे प्लान का बैंड बजना तय है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उस हवलदार के बच्चे से निपट लूंगा। हवलदार बहादुर होटल के कमरे में आराम फरमा रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। हवलदार बहादुर ने दरवाजा खोला। हेलो, मुझे बुखारा कहते हैं। मुझे मिस्टर अफारा कहते हैं। आप मजाक कर रहे हैं हवलदार बहादुर जी? तुम मुझे जानते हो? जी हाँ, मैं सुल्तान बिन सुल्लन का खास आदमी हूँ और आपको ये बताने आया हूँ कि यहाँ आपकी जान को खतरा है, आप तुरंत वापस चले जाइए। ये सूरत से ही शैतान लगता है, सुल्तान का आदमी नहीं हो सकता। हवलदार बहादुर तुरंत ही अकड़ गए। ओए, मैं किसी खतरे से नहीं डरता, तुम फूट लो यहां से। आप पछताएंगे जनाब, बहुत पछताएंगे। उत्तर में हवलदार बहादुर ने जोर से दरवाजा बंद किया था। फटाक पुई, देख लूंगा तुझे। कुछ देर बाद हवलदार बहादुर सैर के लिए होटल से निकले।
जब आ ही गया हूं तो दमबान की सैर ही कर डालूं। तभी उनका पीछा करने वाला रहस्यमय व्यक्ति एक ओर से निकल कर आया और उसने हवलदार को टक्कर मार कर नीचे गिरा दिया और उसको दबोच कर पड़ गया। धाड़, ओए छोड़ दे। तभी एक कार गोलियां बरसाती हुई वहां से गुजरी। रेट रेट रेट, ओह कातिलाना हमला। कार के जाते ही वो युवक भी हवलदार को छोड़ भागा। लगता है उस युवक ने मेरी जान बचाई है। कार से मुझ पर गोलियां चलाई गई थी और वो बंदा हमलावरों को जानता है, उसे रोकना होगा। गोलियों की आवाज सुनकर एक पुलिसमैन भी उसी दिशा में दौड़ा आ रहा था। मोड़ पर हवलदार के साथ उसकी भड़ाम हो गई। धाड़, खबीज के बच्चे, मुंह पर आंखें नहीं है क्या? जेल में डाल दूंगा। पकड़ेगा तो डालेगा। हवलदार दौड़कर अपने होटल के कमरे में आ घुसे। यहां तो अजीब घटनाएं घट रही है, जासूसी क्या खाक करूं। तभी एक और अजीब घटना घट गई। कागज में लिपटा एक पत्थर हवलदार से अटकराया। उई, उन्होंने पत्थर को उठाया। संदेश उन्हीं के लिए था। हवलदार बहादुर, अपने दुश्मनों के बारे में जानना चाहते हो तो आज रात 10 बजे हबीब गली के मकान नंबर 420 में पहुंच जाना। ठीक 10 बजे हवलदार ने मकान नंबर 420 का दरवाजा ठोका। ठक ठक, कोई है? तुरंत ही दरवाजा खुला और उनकी गर्दन नाप ली गई। आ गड़ा, ये वही रहस्यमय युवक था, लेकिन इस समय वो पागल दिखाई दे रहा था। आ गए तुम, अब मैं तुम्हारी दुम काटकर उसकी जगह अपने दुम फिट कर दूंगा। आई, ये बंदा तो बावला है। इतनी देर में बावले ने उन्हें दबोचा और नीचे पटक दिया। वो हवलदार की छाती पर चढ़कर बैठ गया। दुम काटूंगा, कहां है तेरी दुम? ओए बाबले, शरीफ आदमी के दुम नहीं होती, कहकर हवलदार ने एक देसी दांव लगाया। हैसा, और युवक को गिराकर दरवाजे की ओर लपके। ये ससुरा तो बहुत बड़ा पागल है, मेरे दुम ढूंढने के लिए बुलाया था। दुम खतरे में थी, इसलिए वो सड़क पर भी दौड़े ही चले जा रहे थे। भाड़ में गए ड्यूटी और तेल लेने गई जासूसी। अब मैं यहां नहीं रुकूंगा। होटल के निकट पहुंचकर उन्होंने मेजर बुखारा को देखा। मिस्टर आलू बुखारा, तुम फिर यहां? मेजर बुखारा बोलो। मेजर ही सही, मगर बुखारा तो हो, अब क्यों आए हो? ये जानने के लिए कि तुम वापस आ रहे हो या नहीं। ये जानने के लिए कि तुम वापस जा रहे हो या नहीं। जा रहा हूं भैये, मगर 3 दिन तक यहां से रूपनगर के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, इसलिए तुम पानी के जहाज से चले जाओ। मैं सीप पर तुम्हारे लिए केबिन बुक करा देता हूं। अगली सुबह मेजर बुखारा स्वयं हवलदार बहादुर को सीप पर चढ़ाने आया था। मुझे खुशी है कि तुम यहां से जीवित वापस जा रहे हो। मुझे भी बहुत खुशी है बुखारा जी, आपकी मदद से मेरी चंपाकली का सुहाग बच गया। सीप रवाना हो गया। मुसीबत टल गई। कुछ ही देर में सीप गहरे समुद्र में पहुंच गया। केबिन में चलकर आराम करता हूं। केबिन में आराम करते कुछ ही देर बीती थी कि एक स्टुअर्ट भीतर आया। सर, आपके लिए एक तोहफा लाया हूं। तोहफा कहां से आया? मैं लाया हूं। हथौड़ा, ये क्यों लाए हो? स्टुअर्ट ने हथौड़ा उठाया और ठक, इसलिए। एक ही चोट में हवलदार का आटा गफील हो गया था। बेल्डन मैन, बेहोश हवलदार बहादुर को उठाकर लकड़ी की पेटी में ठूंस दिया गया और वे तीनों पेटी को उठाकर डेक पर लाए और उसे समुद्र के हवाले कर दिया। छपाक, तुरंत ही एक स्पीड बोट पेटी के निकट पहुंची। उठा लो, और पेटी को बोट पर उठा लिया गया था। हमारा प्लान कामयाब रहा। हवलदार बहादुर को जब होश आया, आई
ये मैं कहां आ गया? किसी ने मेरा अपहरण करके कपड़े उतार दिए हैं, हवालात में सड़ा दूंगा साले को। दरवाजा खोलते ही या उई, ये तो वही पागल है। पागल को गच्चा देकर वो कॉरिडोर में दौड़ पड़े। ये बावला मेरी दुम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? आज तेरी दुम जरूर काट डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तभी सुल्तान का वफादार सेवक सुलेमान हवलदार की मदद को आ गया था। रुक जा जवाली, अब ये कौन आ गया? हवलदार बहादुर हमारे मेहमान हैं। बेवकूफ, जाओ अपने कमरे में। हवलदार जी असमंजस में थे। आप कौन हो जी और मुझे यहाँ कौन लाया है? बंदर सुल्तान बिन सुल्लन का सेवक है जनाब, इस गुलाम ने ही सीप से आपका अपहरण कराया है। हवालात में सड़ा दूंगा मैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हमारे सुल्तान का जीवन खतरे में है। मक्कार मेजर बुखारा ने उन्हें पागल बनाकर कैद कर रखा है और उनके नाम से बड़े बड़े अपराध करता फिर रहा है। उसने आपको यहाँ से भागने पर विवश कर दिया था, लेकिन हमें आपकी मदद चाहिए, इसलिए आपको सीप पर से उठा लाएं। सुल्तान के कुछ अन्य वफादार साथी भी मेरे साथ हैं। वो पागल युवक भी हमारा साथी है, उसे हमने अपनी सुरक्षा के लिए लगाया था, लेकिन दुश्मन ने उसे पागल कर दिया। खुदा के लिए आप हमारी मदद कीजिए। तुम्हारा मतलब है मेजर बुखारा गद्दार है? हाँ, उसने दमबान को जुर्म की नगरी बना डाला है। सुल्तान के महल और साहिब फौज पर उसका नियंत्रण है। उसी ने रूपनगर पर कुत्ते छोड़े थे। मैं उस बुखारा को इतना मारूंगा कि बुखार चढ़ जाएगा साले को। बोलो कहाँ मिलेगा वो? उसने शहर में एक बड़ा चंडू खाना खोल दिया है जहां लोग नशे में धुत पड़े रहते हैं। वो पूरे देश को नशे का गुलाम बना देना चाहता है। रोज रात को वहां चंडू खाने में आकर नशे में धुत लोगों को देखकर खुश होता है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।